हाय गाइस, दिस इज विजय फटे कुछ विजय का इंटरेस्टिंग न्यूज़ में आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार जताइएगा जो आपने पिछली वीडियो में व्यूज़ के इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ आपने दे दिया था। नोकिया की मेरी एक वीडियो थी पीछे जिस पर भी आपने सबने बहुत सारा प्यार दिखाया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं आई बटन में इसकी लिंक दे दूँगा। और जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं करी अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़े यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अगर ये वीडियो लॉन्च होता है तो इन सारी कंपनियों का जवाब देना पड़ सकता है। सो प्लीज़ इसे कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग। सो लेट्स बिगिन, आज की न्यूज़ देखते हैं। वन प्लस लॉन्च करने वाले अपने 50.4K टीवी क्यूलेट डिस्प्ले के साथ में, लेकिन सबसे पहले लॉन्च होने वाला इंडिया में, ये न्यूज़ आपको पता होगी। नोकिया का लॉन्च इवेंट है 5th September को, ये भी शायद आपको न्यूज़ पता होगी। लेकिन नोकिया 7.2 के कुछ फोटोज़ है मैं जो आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ, साथ में S11 के कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं। आज तक सैमसंग जो फ़ोन लॉन्च कर रहा था इस सीरीज़ के गैलेक्सी S लाइनअप के, वो कुछ 12 megapixel कैमरा उनका प्राइमरी होता था, लेकिन अब कुछ चेंजेस उसमें आप देख सकते हो। आज मैं घर के बाहर बैठा हूँ, आप भी नींद से उठाओ, सो आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए। EMI का नोट 8 रिलीज़ होने वाला है चाइना के अंदर, 20th या 29th August को इसका रिलीज़ हो सकता है। एप्पल के कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं, एप्पल अपना फ़ोन का शटर रेजिस्टेंस काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है और साथ में फेस आईडी भी काफ़ी इम्प्रूवड होने वाली है। मल्टी एंगल फेस आईडी उसके अंदर होने वाला है, मतलब अगर फ़ोन आपका लैंडस्केप मोड में है तो आप लैंडस्केप मोड में भी फ़ोन ईजिली अनलॉक कर सकते हो, इसके लिए आपको फ़ोन उठा के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। iOS का नया वर्जन भी लॉन्च होने वाला है, iOS 13, साथ में कुछ iPads भी लॉन्च हो गए, कुछ MacBooks भी लॉन्च हो गए। नोकिया 2020 में अपने कुछ अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स लाने वाला है कि ताकि सारे लोग 5G का यूज़ कर सके 2020 में। 5G तो अभी लॉन्च भी होना बाकी है, नोकिया ने काफ़ी दूर की भी सोच लिया। कुछ हम नोकिया के बारे में एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाले हैं, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और नोकिया अपने जो प्रीवियस जनरे के फ़ोन्स थे, नोकिया 5, नोकिया 6, नोकिया 7, नोकिया 8, और उनको भी सपोर्ट करने वाला है फॉर 1 more year विथ क्वार्टरली सिक्योरिटी अपडेट्स। गूगल पिक्सल का पिक्सल 4 नियर अबाउट कन्फर्म हो चुका है, लॉन्च डेट काफ़ी आई थिंक नियर आ सकती है 11 अगस्त का। और एक रूमर निकल के आया था 19 Hz का डिस्प्ले इसके साथ में हो सकता है, स्क्वेयर कैमरा, सर्कल वगैरह, फेस अनलॉक वगैरह, ये तो सारी चीज़ें पहले भी लीक हो चुकी थी। Kirin 990 की तरफ से एक न्यूज़ आ रही, Kirin 990 का प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है 6 September 2019 को, और जो पोटेंशियली 5G को सपोर्ट कर सकता है। और गूगल क्यू का अब नया नाम होगा Google 10, जो एंड्रॉयड पाई, एंड्रॉयड ओरियो, जो ऐसे स्वीट से नेम उनके हुआ करते थे, अभी वो चेंज होके आएंगे गूगल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड 10 के नाम से। सो आज के लिए बस इतना ही, ऐसा ही पार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने आज तक वीडियो देखी है तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग एंड पीस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।